झांसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन टीबीओ का मिनी मिशन के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को वृक्ष जनित तेल के पेड़ लगाने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य विकास अधिकारी शैलेश कुमार ने सेमिनार का शुभारंभ करते हुए उपस्थित किसानों से आह्वान किया कि वैज्ञानिकों द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उन्हें आत्मसात करते हुए खेती किसानी में अपनाएं, ताकि जो मेहनत की जा रही है उसका अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और किसान की आय कृषि पर निर्भर है, अतः अब समय आ गया है कि किसान खेती के साथ वृक्ष जनित तेल पेड़ पर फोकस करें, क्योंकि ऐसे वृक्ष बुंदेलखंड क्षेत्र में लंबे समय तक जीवित रहते हैं और लगातार आय में वृद्धि में सहायक होते हैं। देखिए, ये किसान गोष्ठी यहाँ पर हमारे दीनदयाल सभागार में हो रही है। इसमें पूरे हमारे झांसी मंडल के किसान साथी गण आए हुए हैं। तो यहाँ पर कृषि विभाग द्वारा एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, जो कि वृक्ष जनित हमारे जो तेल वाले पौधे हैं उनके संबंध में विशेष फोकस किया जा रहा है। उसके अलावा जो है तेल उत्पन्न करने वाली अन्य फसलों के संबंध में भी जो है विस्तार से जानकारी दी जा रही है। सर, किसानों को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि ये टेक्निकल नॉलेज जो हमारे साइंटिस्ट यहाँ पर दे रहे हैं, तो जो हमारे किसान साथी पहले से करते आए हैं, है ना, उसी में जो है उनकी उनके ज्ञान को बढ़ाना और साथ साथ उनको ये जानकारी देना कि जो चीज़ें हम जो है बहुत लाइटली लेते हैं कि ये तो वेस्ट चीज़ है, उसके भी जो है बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं और उसकी जो है मार्केट वैल्यू बहुत होती है। तो उनको इस चीज़ का ज्ञान कराना कि आप उसको वेस्ट ना समझ करके उसकी कमर्शियल वैल्यू समझें। झांसी से राहुल उपाध्याय के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट। बुंदेलखंड आए और पांडे जी का रसगुल्ला ना खा पाए तो भैया खाक बुंदेलखंड आए, जो सिर्फ बरुआ सागर में नहीं पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। तो अब की बार जरूर आइयो पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड के पास, बरुआ सागर झांसी। कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि बीए, बीएड बीकॉम, बीएससी बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान, फुल एसी रेस्ट हाउस, शादी विवाह बर्थडे पार्टी किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। ऐसा स्वाद और कहां जनाब, अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड, मऊरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट जहां कम दाम में मिलता है 5 स्टार होटल वाला स्वाद। तो एक बार जरूर आए और ले बेहतरीन खाने का आनंद, शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड, मोती होटल के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। यार, जो सुसरता चिरांद फैला रहे हो तुम, और सर जी चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे। अरे तुम भुइया कर रहे हो, तुम कान खोल के सुना है तो कौन ऐसी बेटी पुट्टी नहीं चाहिए, इतने पे चाहिए है भैया घरों का वॉल पुट्टी और पीओ की, जो रखे आपके घर को सालों साल नया। I like it.